For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. करना है तो ही शुड ऑलवेज कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि भाई ट्रेनर ने कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है नॉट ऑन हिमसेल्फ बट टू हिज फैंस. या एब्सोल्युटली, क्योंकि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी पता होगा कि यहाँ पे कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो ऐसा मार्केट करते हैं कि एज इफ दे आर द बेस्ट कोचेस बट एंड देन पीपल फॉल फॉर इट. काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ इसकी बॉडी अच्छी है तो ये अच्छा कोच भी होगा. बट दैट्स नॉट ट्रू. यू कैन बी अ गुड बॉडी बिल्डर, यू कैन बी अ गुड कोच. Very rarely are you both. Yeah, very rarely. Very rarely. ज़्यादा से ज़्यादा coaches, ज़्यादा से ज़्यादा trainers मैंने जो देखे, मतलब they are, it's not that they are not good, they are not in a great shape, but their clients are in a much better shape. Yeah, obviously. Because they are a very good teacher. तो एक अच्छी trainer की जो quality होती है, that is basically nothing but the kind of transformation he's done. And अगर वो अपने body को secondary रखे, अपने client के body को अगर prioritize करता है, then that is a wonderful trainer. बिकॉज फॉर अ गुड ट्रेनर क्लाइंट की बॉडी पहले आती है, क्लाइंट का डाइट पहले आता है, क्लाइंट का वेल बींग पहले आता है और फिर बाकी सब के बाद खुद की बॉडी आती है. अच्छा, तो अगर पाँच या चार ऐसे, क्योंकि हमारे चैनल में टिप्स बहुत होते हैं, तो पाँच या चार ऐसे पॉइंट्स या टिप्स जो आप दे सकते हैं एवरी न्यू गाय इन द जिम की, भाई मैं 15, 13, 14 साल का हूँ, मैं क्या जिम जा सकता हूँ पहली बार, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे जिम जाऊं तो मुझे मतलब व्हाट आर द फ्यू थिंग्स आई शुड कीप इन माइंड, मैं जिम में क्या क्या कर सकता हूं, क्या नहीं करूं. द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज बाय सेइंग कि हाँ यस यू कैन गो टू द जिम. आपको अगर कोई बोलता है कि आपकी उम्र कम है, आप खाली 15 साल के हो, 14 साल के हो, आपको जिम जाना नहीं चाहिए, देन वो जो बोल रहा है वो एब्सोल्युटली गलत है. क्योंकि दैट पर्सन डजंट हैव द साइंटिफिक understanding of how the body functions. Yeah. And उससे ये नहीं पता है कि अगर weight training करने से body, अगर weight training करने से height रुकती है, then people like Wayne Johnson, The Rock, I'm sure सबको पता होगा The Rock. उसके हिसाब से तो वो एक dwarf होता होगा, but वो है नहीं. He is more than 6 feet in height. And so many other, Michael Phelps, one of the best swimmers we have. ये लोग सालों से train कर रहे हैं. Ever since the age of 12, 13, 12, 13, 14 साल की उम्र से ट्रेन कर रहे हैं एंड उनकी हाइट तो परफेक्ट है, तो वो लॉजिक अप्लाई नहीं होता है. विच इज़ वाई यू नीड टू मेक श्योर कि आप वेट ट्रेनिंग के लिए जाइए. बट नंबर टू, मेक श्योर दैट आप एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर हायर करो, बिकॉज ही विल बी एबल टू टेल यू कि सही क्या है और गलत क्या है. नंबर थ्री इज मेक श्योर वेन दैट आप जब भी कोई डाइट फॉलो करते हो, द फर्स्ट थिंग टू डू इज कट डाउन शुगर. आपकी डाइट में से आप शुगर, चीनी, प्रोसेस्ड फूड ये सब बंद कर दीजिए. पिज्जा, बर्गर, पिज्जाज, बर्गर्स एंड शुगर. शुगर इज द मेन कल्प्रिट. हमारे डाइट में इतना ज़्यादा शुगर है दैट वी आर बिकमिंग एन ओबीस कंट्री. इंडिया इफ इट कंटिन्यूज द सेम वे, हमारा कंट्री वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में से माना जाएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटे लोग रहते हैं. वी डोंट वांट दैट एज अ कंट्री. वी वांट, बिकॉज हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यंग है एंड दैट्स द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री एंड वी वांट देम टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड फिट. अगर हमारे देश की जनता को अगर productive hona hai, then they need to be fit. And that can only happen when they eat right and they train right.